लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। शीतलहर के चलते फिरोजाबाद नगर आयुक्त ने नगर निगम की टीम के साथ रैन बसेरों का किया निरीक्षण और शहर में लगे गैस हीटरों को भी किया चेक। आपको बता दें, फिरोजाबाद में इन दिनों बहुत सर्दी पड़ रही है। इसको देखते हुए आज रात्रि फिरोजाबाद नगर आयुक्त विजय कुमार ने नगर टीम की नगर में मुख्य जगहों पर लगाए गए रैन बसेरों और गैस हीटरों का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान सर्दी में घूम रहे निराकृतिक लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया और नगर आयुक्त ने साथ ही बताया कि इस गलन भरी सर्दी में उनकी टीम के द्वारा शहर के मुख्य जगहों पर लगे गैस हीटरों और रैन बसेरों का हर रोज निरीक्षण किया जाता है। और उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया। फिरोजाबाद से मकबूल उद्दीन की रिपोर्ट। सर, किस तरह का भ्रमण किया और क्या निर्देश दिए गए? इस समय शीतलहर की स्थिति को देखते हुए मैं खुद और हमारे GM जलकल निरंतर रात में भ्रमणशील रहते हैं रैन बसेरा को देखने के लिए, जो गैस के अलाव हैं उनको देखने के लिए। उसी सिलसिले में आज हमने और हमारे नोडल महाप्रबंधक जल ने आज समस्त रैन बसेरों का अभी रात्रि में 10 बजे के उपरांत निरीक्षण किया है। और ऐसे सारे लोग जो कि निराश्रित हैं, रहने के लिए जगह नहीं, उन सबको रैन बसेरों में जगह दी है। इसके अलावा हमने जो हमारे गैस हीटर्स हैं उनका भी निरीक्षण किया है। सभी जगह गैस हीटर्स जलते हुए पाए गए हैं। शहर में मुख्य मुख्य स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विभिन्न चौराहे, मार्केट इत्यादि में सब जगह अलाव लगाए गए हैं।